हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी आईएएस। आई होप यू ऑल आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। स्वागत है आपका इस नए सीरीज में, जहां पर हम डिस्कशन में ले रहे हैं जितने भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी सीएससी 2021। उनको ये है लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 में हमने बहुत सारी स्कीम्स को डिस्कशन में लिया है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। उनको आप देख सकते हैं और उनसे नोट्स बना सकते हैं, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। आज जिन स्कीम्स को हम कवर करेंगे, दे विल बी रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, डिफेंस, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जल शक्ति एंड अर्थ साइंसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट, मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर है अन अकेडमी का, जहां पर आपको और भी ज्यादा वैलिडिटी की जो सब्सक्रिप्शन है वो मिल रहा है। ठीक है, पहले क्या होता था, अगर आप एक साल का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, आप एक साल तक अपने फेवरेट टीचर से पढ़ सकते हो, अपनी प्रिपरेशन में चार चांद लगा सकते हो, बट अब आपको 4 मंथ्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। ऑल्सो यू विल गेट 20 बुक्स वर्थ ₹10,000 विच आर स्पेशली डिजाइंड बाय द यूपीएससी एक्सपर्ट्स। अगर आपको लोन की फैसिलिटी चाहिए ये जो सब्सक्रिप्शन है इसको लेने के लिए, उसको भी आप ले सकते हैं। एंड आपको 10% का डिस्काउंट मिल सकता है बाय यूजिंग आवर डिस्काउंट कोड, दैट इज स्टडी IAS। ये आप देख सकते हैं, नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आप आगे फ्यूचर में तैयारी करना चाह रहे हैं, यू आर एन एस्पिरेंट फॉर 2021, 2022 एंड 2023, तो न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम 5th of May। आप देख सकते हैं एंड ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, अपने फेवरेट टीचर से पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली स्कीम्स के साथ, बट दीज स्कीम्स रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। पहली स्कीम है हमारी वन नेशन वन राशन कार्ड, इंपॉर्टेंट स्कीम है। पहले क्या होता था, अगर आप एक बेनिफिशियरी हैं, आप इन राशन कार्ड्स में जाते हैं, ठीक है, आप रजिस्टर्ड हैं, आपको सब्सिडाइज रेट पे ग्रेन्स मिल जाएंगे। बट अगर आप एक माइग्रेंट वर्कर हैं एंड आपको एक स्टेट से दूसरी जगह जाना है, ठीक है, एंड जो लोग पुअर होते हैं वो तो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी के लिए, पैसे कमाने के लिए एक स्टेट से दूसरी स्टेट में माइग्रेट करते रहते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, क्योंकि अगर वो किसी और स्टेट के अंदर जा रहे हैं तो वहाँ पर उन्हें फिर से राशन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ता था। बट जब से ये स्कीम आ गई है, दैट इज़ वन नेशन वन राशन कार्ड, ऐसा नहीं होगा। एक राशन कार्ड पूरे देश में चल सकता है विच इज़ लिंक टू योर आधार कार्ड, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। राशन कार्ड इज इशूड टू द हेड ऑफ द फैमिली डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ मेंबर इन अ फैमिली एंड इट्स फाइनेंशियल स्टेटस। इट इज यूज्ड बाय द हाउसहोल्ड्स टू गेट असेंशियल फूड ग्रेन्स, ठीक है, और उनको आप सब्सिडाइज्ड प्राइसेस में ले लेते हो फ्रॉम द डेजिग्नेटेड राशन शॉप्स अंडर द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। तो ये एक टारगेट करे जा रहा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को, कि जो बेनिफिशियरी है उनको फायदा हो सके। Over the year, different types of ration cards were issued. पहले काफी सारे तरीके के होते थे, but अब क्या है, priority and अंत्योदय में आ गए हैं, and दूसरे हैं the responsibility of identifying the eligible family and issuing ration card to them rest with the state and the UT government, ठीक है। जो भी यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट होगी या स्टेट की गवर्नमेंट होगी, वो डिसाइड करेंगे कि कौन लोग बेनिफिशियरी हैं और किनको ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए। नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल को पास किया गया था 2013 में। डिफरेंट राशन जो कार्ड्स हैं वर कंप्रेस्ड टू जस्ट टू बाय दिस एक्ट ओनली, ठीक है। एक और चीज आपको याद रखनी है, जो अंत्योदय वर्ड है, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब ये है कि अपलिफ्टमेंट ऑफ द लास्ट, ठीक है, कि जो लास्ट है लाइन के अंदर उसका भी अपलिफ्टमेंट हो, ठीक है। अगर कोई इंसान को बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, उसको भी बेनिफिट हो, और जब उसको बेनिफिट की बहुत ज्यादा जरूरत है तब तो उसको जरूर मिले, ओके। तो राशन शॉप्स के बारे में देख लेते हैं, ये प्राइवेटली ओन्ड हो सकती हैं, दे कैन बी ओन्ड बाय द कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज, और दे कैन ऑल्सो बी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। ओनरशिप लाइसेंस जो उनको मिलते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट ही उनको प्रोवाइड करती है। एंड प्रेजेंटली कमोडिटीज सच एज वीट, गेहूं, चीनी, चावल या केरोसिन यहाँ पर मिल पाता है इनको बाय द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। स्टेट गवर्नमेंट हैव द डिस्क्रिप्शन टू प्रोवाइड एडिशनल कॉमोडिटीज, अगर वो चाहते हैं कि इन सब में और भी कोई असेंशियल कॉमोडिटी है जिसको ऐड करना चाहिए, तो स्टेट गवर्नमेंट उसको ऐड कर सकती है। राशन कार्ड्स आर इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, द बेनिफिशियरी कुड प्रोक्योर फूड ग्रेन ओनली फ्रॉम द डेजिग्नेटेड राशन शॉप विद इन द कंसर्न स्टेट। बट वन रेशन वन राशन कार्ड के बाद क्या हो गया है, ये चीज चेंज हो गई है, अब उनको
और भी किसी स्टेट में अगर वो जाते हैं वहां पर भी उनको राशन अवेलेबल हो सकता है। इफ द बेनिफिशियरी वर टू शिफ्ट फ्रॉम अनदर स्टेट, पहले क्या होता था उन्हें नए राशन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ता था, पर अब उनको नहीं करना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं अपनी अगली स्कीम के बारे में, दैट इज पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, नाम से क्या पता चला है, गरीब यानी पुअर, कल्याण यानी अपलिफ्टमेंट करने की बात करी जा रही है, अन्न यानी फूड। ठीक है, दिस स्कीम इज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत, जिससे सप्लाई कर सके हम फूड ग्रेन की फ्री, ठीक है, फूड फ्री फूड ग्रेन की टू द माइग्रेंट्स एंड द पुअर, जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है। 80 करोड़ इंडिविजुअल इसमें बेसिकली टारगेट करे जाएंगे। रफली 2/3 ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन वुड बी कवर्ड। ठीक है, 2/3 पॉपुलेशन को कवर करने की बात करी जा रही है। दे वर प्रोवाइडेड 5 kg फ्री वीट राइस पर पर्सन पर मंथ अलॉन्ग विद 1 kg फ्री होल चना टू ईच फैमिली पर मंथ। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया है कि 5 kg आपको फ्री राइस गेहूं पर पर्सन आपको हर महीने मिलेगा अलॉन्ग विद 1 kg ऑफ चना। ओके, नाउ वीट हैज बीन अलॉटेड टू 6 states जैसे कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात एंड राइस हैव बीन प्रोवाइडेड टू द रिमेनिंग स्टेट्स एंड यूटीज। एलिजिबिलिटी है फैमिलीज बिलोंगिंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन। आपको बिलो पॉवर्टी लाइन के अगर आप नीचे आते हैं आप बेनिफिशरी हैं एंड आपको इससे इस स्कीम से फायदा हो सकता है, एंड आप एक प्रायोरिटी हाउस होल्ड हो तब भी आपको फायदा हो सकता है। ओके, अब ये जो फैमिलीज होंगी आर टू बी आइडेंटिफाइड बाय द स्टेट एंड यूटी एज पर द क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब क्राइटेरिया कौन निकालेगा, क्राइटेरिया निकालेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, बट उनको आइडेंटिफाई करने का काम होगा स्टेट एंड यूटीज का कि ये लोग बेनिफिशरीज हैं एंड इनको इस स्कीम से फायदा होना चाहिए। हाउस होल्ड हेडेड बाय विडोज और टर्मिनली इल पर्सन और डिसेबल्ड पर्सन और पर्सन एजेड 60 years और मोर विद नो अश्योर्ड मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस और सोसाइटल सपोर्ट इसमें इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ऑल्सो विडो या जो टर्मिनली इल है या डिसेबल्ड है या 60 ईयर से ज्यादा है, सिंगल वुमेन है, सिंगल मैन है विद नो फैमिली और सोसाइटल सपोर्ट, उनको भी इससे फायदा होगा। ऑल प्रिमिटिव ट्राइबल हाउसहोल्ड भी आते हैं, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स, ऑल एलिजिबल बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज ऑफ HIV पॉजिटिव पर्सन को इस स्कीम से फायदा मिलेगा। चलिए डिस्कशन में ले लेते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 को। इसका एम है टू प्रोवाइड द सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स टू अप्रॉक्सिमेटली 2/3 ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन। 75% जितने भी जो रूरल एरियाज है उनका एंड 50% अर्बन एरियाज में टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम द्वारा। ठीक है, 5 kg पर पर्सन पर मंथ का इसका क्राइटेरिया है एंड ये राइट बेस्ड अप्रोच पर वर्क करती है। ये इंक्लूड करती है और भी अदर स्कीम्स को जैसे कि मिड डे मील स्कीम, एंड ये कुछ इसके और प्रोविजंस हैं, बट आपको कुछ कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि NFSA गारंटी करता है एज अप्रोप्रिएट मील को फ्री ऑफ चार्ज थ्रू लोकल आंगनवाड़ी फॉर द चिल्ड्रन अप टू 6 months एंड 1 free meal फॉर द चिल्ड्रन इन एज ग्रुप 6 to 14 years इन स्कूल। ठीक है, ये एक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए कि ये गारंटी करता है एज अप्रोप्रिएट मील को भी। एंड maternal benefits are not extended to the government employees since other similar benefits are provided. Other schemes से उनको provide हो जाता है। Every pregnant and lactating mother is entitled to a free meal at the local आंगनवाड़ी। तो मतलब यहाँ पे बच्चों को भी target करा जा रहा है, pregnant and lactating mothers को भी टारगेट किया जा रहा है कि उन्हें लोकल आंगनवाड़ी में एक फ्री मील मिल जाएगी, एज वेल एज मेटर्निटी बेनिफिट उन्हें मिल सकता है 6,000 का इन इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, एकदम से नहीं, इंस्टॉलमेंट्स में वो ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं अपनी अगली स्कीम के बारे में, दैट इज प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंड है, इट कम्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर। ठीक है, अब ये आ गया है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर, पहले इसके अंदर था, अब ये कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर आ गया है। एंड ये जो फंड है इट इज कंस्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ कंटेनिंग एक्सट्रीम वोलेटिलिटी इन द प्राइसेस ऑफ द सिलेक्टेड कमोडिटीज। हमें क्या देखने को मिलता है कि जो जो जैसे आलू हो गए, प्याज हो गए, ठीक है, इनका क्या होता है प्राइस जो होता है वो फ्लक्चुएट करता रहता है। ये जो कॉमोडिटीज होती हैं या एग्री हॉर्टिकल्चरल वेजिटेबल एंड फ्रूट से रिलेटेड जो होते हैं, ठीक है, उनका क्या होता है प्राइस कभी ऊपर जाता रहता है कभी नीचे जाता रहता है। तो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड इसी के लिए आया है कि जो
वोलेटिलिटी हमें देखने को मिलती है वो थोड़ी ठीक हो जाए. द अमाउंट इन द फंड इज जनरली यूटिलाइज फॉर द एक्टिविटीज एम्ड एट ब्रिंगिंग डाउन अप द हाई एंड लो प्राइजेस, से फॉर इंस्टेंस procurement of such products and distribution of the same and when required so that prices remain in the range. ठीक है, रेंज के अंदर हैं prices, बहुत ज्यादा ऊपर बहुत ज्यादा नीचे होंगे तो जो consumers हैं उनको नुकसान होने वाला है क्योंकि उनको समझ ही नहीं आएगा, उनको फायदा ही नहीं मिलेगा. ठीक है, तो ये इसलिए आया है जिससे वो जो fluctuating price है उनको देख सके. द स्कीम प्रोवाइडेड फॉर मेंटेनिंग अ स्ट्रेटेजिक बफर, की पहले से ही बफर फॉर्म हो जाएगा. बिल्डिंग सच स्टॉक, द स्कीम प्रमोट डायरेक्ट परचेज फ्रॉम फार्मर एसोसिएशन एट द फार्म गेट या मंडी, कि आप डायरेक्टली जाओ और इनसे खरीदो. ठीक है, इससे क्या होगा कि बहुत सारी ऐसी कंडीशन आ जाती हैं कि फार्मर्स का नुकसान हो जाता है, उससे हम बच जाएंगे. ये जो स्कीम है इट इज यूटिलाइज्ड फॉर द ग्रांटिंग इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ वर्किंग कैपिटल टू द सेंट्रल एजेंसीज, स्टेट यूटी गवर्नमेंट एजेंसीज टू अंडरटेक द मार्केट इंटरवेंशन ऑपरेशंस. ठीक है, कि वो ऐसे ऑपरेशंस ला सके कि मार्केट की जो स्टेबिलिटी है वो बनी रहे. चलिए बात करते हैं अपने अगले स्कीम के बारे में, दैट इज जागो ग्राहक जागो. इससे आपके दिमाग में गाना चल रहा होगा, जागो ग्राहक जागो, पहले बहुत ज्यादा ऐड आता था इसका. ये एक ऐसी स्कीम है जो कि कहती है कि इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी कंज्यूमर टू बी अवेयर. ठीक है, हर कंज्यूमर को अवेयर होना चाहिए, अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए. ये आप देख रहे हैं पोस्टर, इसमें ये जो दुकानदार है ये आपको चेहरे से ही कनेक्ट दिख रहे होंगे. ये क्या कहना चाह रहे हैं कि MRP मीन्स माई रिटेल प्राइस मैडम, हा हा. ठीक है, बट ये जो महिला है ये समझदार है, ये अखबार पढ़ती है, ये दो हिंदू पढ़ती है, इसलिए इनको पता है कि डोंट फोल मी, आप मुझे पागल नहीं बना सकते. एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस एंड इसमें सारे टैक्सेस इंक्लूडेड होते हैं. ठीक है, तो कंज्यूमर्स डोंट बी मिसलेड, नेवर पे मोर देन दी MRP. ठीक है, MRP से ज्यादा कभी देना नहीं है. इट इज अ कंट्री वाइड मल्टी मीडिया अवेयरनेस कैंपेन, जिसमें क्या है कि कंज्यूमर अपनी राइट्स के बारे में जाने, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में जाने एंड जो रिटेल शॉप्स होती हैं वो उनको पागल नहीं बना सके, इसके लिए स्कीम आई थी. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में आपको पता होना चाहिए. इट प्रोवाइड्स कंज्यूमर विद द स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव रिड्रेसल ग्रीवेंस मैकेनिज्म, कि अगर कोई भी इशू आ जाता है तो उनका जो ग्रीवेंस रिड्रेसल है वो जल्दी हो जाए. इट रिकॉग्नाइजेस 6 ऑफ द 8 राइट ऑफ द कंज्यूमर एज प्रोवाइडेड इन द UN चार्टर. ठीक है, UN चार्टर के अंदर 8 राइट्स लिखे हुए हैं, उनमें से 6 को ये रिकॉग्नाइज करता है, विच इज द राइट ऑफ कंज्यूमर सच एज राइट टू प्रोटेक्शन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू चॉइस, राइट टू हियरिंग, राइट टू रिड्रेसल एंड राइट टू एजुकेशन. ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से राइट हैं. ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन भी है आपके पास, कि आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि अच्छा किसका कितना टैक्स लग रहा है, मुझे इतना देना है. ठीक है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए. एंड यू ऑल्सो हैव अ राइट टू चॉइस, राइट ऑफ हियरिंग, अगर कोई भी इश्यू आ जाता है तो आपको सुना जाए. ठीक है, आपका पक्ष भी सामने रखा जाए. ठीक है, एंड राइट टू एजुकेशन. चलिए बात करते हैं अपने अगली स्कीम के बारे में, दैट इज अंत्योदय अन्न योजना. ठीक है, इंपॉर्टेंट स्कीम है. दिस ऑल्सो टारगेट द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कि लोगों तक फायदा जा सके. अंत्योदय मतलब जो लोग बहुत ही ज्यादा गरीब हैं, उस पॉपुलेशन को, जो पुअरेस्ट सेक्शन है उन पॉपुलेशन को फायदा हो सके. बेनिफिशियरी जो है इस स्कीम के अंदर उनको 35 kg ऑफ राइस एंड वीट मिलेगा एट द रेट ऑफ 3 per kg एंड ₹2 per kg रिस्पेक्टिवली. यानी ₹3 per kg में आपको चावल मिलेंगे एंड ₹2 per kg में आपको गेहूं मिलेगा. कोर्स ग्रेन ऑन दी अदर हैंड आर डिस्ट्रीब्यूटेड एट द रेट ऑफ 1 per kg. कोर्स ग्रेन का मतलब जितने भी जो सीरियल होते हैं एक्सेप्ट द राइस एंड वीट, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, मेज. ठीक है, इनको क्या कहते हैं, इनको कोर्स ग्रेन्स कहते हैं. तो ये ₹1 per kg के पैसे में मिलेंगे. अदर फैमिलीज दैट आर नॉट पार्ट ऑफ AAY बट आर कवर्ड अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट रिसीव द ग्रेन एट द रेट ऑफ 5 per kg. तो ये ऐसे चल रहा है. अंडर द स्कीम सब्सिडीज आर फुल्ली बॉर्न बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड नो दे आर फुल्ली बॉर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट बियर्स द डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट. तो मतलब जो सब्सिडीज हैं उसका जितना भी जो भार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उठा रही है एंड स्टेट एंड यूटीज को बेयर करना है दी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट. द स्कीम हैज बीन एक्सपेंडेड टू कवर 2.50 crore हाउस होल्ड and scale of issue has been increased to 35 kg per family per month.
चलिए अब हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के बारे में, हमारे देश की संस्कृति के बारे में। सबसे पहली स्कीम है हमारी कला संस्कृति विकास योजना। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है फॉर द प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर इन द कंट्री, जिससे आर्ट है, कल्चर है यानी कला है, संस्कृति है, वो हमारी देश की पहले ही हमें पता है बहुत ज़्यादा रिच है, बहुत ज़्यादा फेमस है। बाहर से भी टूरिस्ट देखने आते हैं कि इतनी डाइवर्स कंट्री है, इनका आर्ट एंड कल्चर कितना रिच है, तो हम इसको बढ़ावा दें। इसके अंदर सब जो स्कीम्स हैं जिसके द्वारा फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करी जाएगी डिफरेंट डिफरेंट कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन को। ये सब स्कीम है जैसे स्कीम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर, स्कीम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर द क्रिएशन ऑफ कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कीम फॉर सेफगार्डिंग द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। अब इसमें क्या होगा, जो आर्टिस्ट हैं वो अवेल कर पाएंगे इस बेनिफिट को एंड वर्चुअल मोड में उनको फायदा मिल पाएगा एंड विल इंश्योर द कंटिन्यूड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू टाइड ओवर द प्रेजेंट क्राइसिस। ठीक है, अभी भी हम देख रहे हैं, अभी जैसे कोविड की सिचुएशन हो गई है, जो आर्टिस्ट हैं या जितने भी जो लोग हैं जो कि आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। क्योंकि पहले क्या होता था, इनके शोज होते थे, लोग इनको देखने आते थे, इनके कल्चर जो है, जो इनका आर्ट है उसको सराहना मिलती थी, बट अब ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो इस मुश्किल घड़ी में भी उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड हो पाएगी। बात करते हैं अगली स्कीम के बारे में, विच इज़ अ वेरी फेमस एंड वेरी नाइस टू नो स्कीम। कुछ स्कीम ऐसी होती हैं जिनको पढ़ के बहुत अच्छी फीलिंग आती है, वैसी टाइप की स्कीम है। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है अंडर विच जो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है या फिर IGST जो होता है, विच इज़ पेड बाय द चैरिटेबल रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऑन द परचेज ऑफ रॉ मटीरियल आइटम शैल बी रीइंबर्स्ड। ठीक है, उसको वापस कर दिया जाएगा। रॉ मटेरियल के लिए जितना भी वो पैसा खर्च करते हैं लोगों को खाना प्रोवाइड करने के लिए, वो उनको वापस कर दिया जाएगा फॉर बिकॉज दे आर डूइंग इट फॉर अ गुड कॉज। अब इन चैरिटेबल रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में क्या क्या आता है, इनमें आते हैं टेम्पल्स, गुरुद्वारा, धार्मिक आश्रम, मॉस्क, दरगाह, चर्च, मठ या मोनेस्ट्रीज। अभी कोविड के टाइम पे भी ऐसी बहुत सारे गुरुद्वारा हैं, मॉस्क हैं, टेम्पल हैं, जो कि फ्री में लोगों को खाना खिला रहे हैं। जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनकी तो स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो उनको इन्हीं ये जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं इनके द्वारा उनको बहुत ज़्यादा सहायता मिल पा रही है। तो इस स्कीम में क्या होगा, सेवा भोज यानी वो सेवा कर रहे हैं लोगों की, उनको खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो रॉ मटेरियल वो यूज़ करेंगे, ठीक है, उसके ऊपर जो CGST IGST ये सब लगता होगा वो सब रीइंबर्स कर दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू लेसन द फाइनेंशियल बर्डन, कि उन पर फाइनेंशियल बर्डन उतना नहीं पड़े, क्योंकि वो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन लोगों की सहायता कर रहे हैं। सच इंस्टीट्यूशन अप्लाइंग फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट फ्रॉम DM। ठीक है, DM से उनको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए इंडिकेटिंग कि वो चैरिटेबल रिलीजियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है और ऐसे ऐसे वो लोगों की सहायता कर रहे हैं। दीज इंस्टीट्यूशन मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्री फूड टू पीपल फॉर द लास्ट 3 years ऑन अ डेली या मंथली बेसिस। ठीक है, इन केस ऑफ मिसयूज, अगर मिसयूज करा जाएगा इस फंड का, इट प्रोवाइड फॉर द पेनल्टीज, आपको पेनल्टीज मिलेगी, आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ब्लैकलिस्ट कर दी जाएगी विद पीनल इंटरेस्ट अपार्ट फ्रॉम टेकिंग क्रिमिनल एक्शन एज पर द लॉ। तो आप पे क्रिमिनल एक्शन भी हो सकता है। चलिए बात करते हैं अपनी अगली स्कीम के बारे में, दैट इज इनटेंजिबल हेरिटेज स्कीम। इम्पॉर्टेंट स्कीम है, ये सेफगार्ड करने की बात करती है हमारी इनटेंजिबल हेरिटेज एंड डाइवर्स कल्चरल ट्रेडिशन को। जितने भी जो NGOs हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, ग्रुप हैं, इंडिविजुअल हैं या रिसर्चर्स हैं, स्कॉलर्स हैं जो भी इससे रिलेटेड हैं, उन सबको सेफगार्ड करने की, उनको प्रोटेक्शन देने की बात करती है। एंड इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय द संगीत नाटक अकेडमी एंड विच इज़ एन ऑटोनोमियस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। It covers all recognized domains of intangible cultural heritage such as जो oral traditions होते हैं या expressions होते हैं, performing arts, social practices, ritual, festive event, knowledge and practices concerning nature and universe, traditional craftsmanship। ठीक है, ये सब चीज़ इसमें include होती है। The assistance under the scheme will be provided in the form of non-recurring ग्रांट्स। ठीक है, ग्रांट मिलेंगे आपको, इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रांट्स मिलेंगे फॉर द सर्वाइवल एंड प्रोपोगेशन ऑफ दीज हेरिटेजेस। नाउ असिस्टेंस विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड फॉर शॉर्ट रिसर्च, कि आप कोई रिसर्च कर रहे हैं,
इस वर्क से रिलेटेड, उसके लिए भी आपको फंड मिलेगा। इट ऑल्सो सपोर्ट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो कि अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गई है, इन सेटिंग अप द सेक्टर स्किल काउंसिल रिलेटिंग टू आर्ट अंडर नेशनल वोकेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। आपके लिए एक और चीज इंपॉर्टेंट, 13 इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ट्रेडिशंस को रिकॉग्नाइज किया गया है बाय द यूनेस्को इन इंडिया। ये सब हैं जैसे कि वैदिक चैंटिंग, सबसे पहले 2008 में इन्हीं को किया गया था, फिर उसके बाद रामलीला, फिर कुटियट्टम विच इज़ अ संस्कृत थिएटर, फिर रमन जो कि एक फेस्टिवल है गढ़वाल हिमालयस में देखने को मिलता है, मोडियट्टू विच इज़ अ रिचुअल थिएटर ऑफ केरला, कलबीलिया जो कि राजस्थान से रिलेटेड है, एक डांस फॉर्म है, छाओ डांस, बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख, सन कीर्तन जो कि एक सिंगिंग रिचुअल है, मणिपुर से रिलेटेड है, ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट फ्रॉम द स्टेट ऑफ पंजाब, योग, नवरोस एंड कुंभ मेला। ठीक है, तो रिसेंटली कुंभ मेला को रिकॉग्नाइज किया गया था एज इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ट्रेडिशन रिकॉग्नाइज बाय यूनेस्को। चलिए बात करते हैं अपनी अगली स्कीम के बारे में, दैट इज प्रोजेक्ट मौसम। प्रोजेक्ट मौसम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है, शोकेस करता है ट्रांसनेशनल मिक्स्ड रूट को इंक्लूडिंग द नेचुरल वन एंड द कल्चरल हेरिटेज, कि हम उनके बारे में और ज्यादा अपनी नॉलेज बढ़ा सकें, ठीक है, अंडरस्टैंड कर सकें, मैनिपुलेशन ऑफ द मॉनसून विंड्स की कैसे होता है, इंटरैक्शन देख सकें, ठीक है, इंडियन ओशन में कैसे कैसे पूरी स्थिति चल रही है, ठीक है, और जो कंट्रीज रिलेटेड है उनके साथ इंटरेक्ट कर सके। आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया नोडल एजेंसी है एंड इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स इसका रिसर्च यूनिट है, नेशनल म्यूजियम एंड IGNCA आर इट्स एसोसिएट बॉडीज। ठीक है, ये सब मिलके इसके ऊपर वर्क करने वाले हैं। इसका गोल ये है कि ये रिवाइव कर सके लॉस्ट लिंकेजेस को जो कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट इंडियन ओशन रीजन से रिलेटेड कंट्रीज के साथ थे, क्रिएट कर सकें न्यू लिंकेजेस को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को, रीडिफाइन कर सकें कल्चरल लैंडस्केप्स को एंड अचीव कर सके ट्रांसनेशनल नॉमिनेशन अंडर द वर्ल्ड हेरिटेज। अब ये जो पर्टिकुलर स्कीम है ये दो लेवल पर काम करेगी, एक लेवल होता है मैक्रो यानी बड़े लेवल पर, एक होता है माइक्रो यानी छोटे लेवल पर। मैक्रो लेवल पर ये बात कर रही है कि हम रिकनेक्ट कर सके, रीस्टैब्लिश कर सके कम्युनिकेशन को बिटवीन द कंट्रीज जो कि इंडियन ओशन रीजन से रिलेटेड हैं, ठीक है, एंड समझ सकें कि कैसे हमारे कल्चरल वैल्यूज एक दूसरे से रिलेटेड हैं एंड क्या क्या कंसर्न सामने आ रहे हैं। मैक्रो लेवल पर हम क्या देखेंगे, हमारा फोकस होगा टू अंडरस्टैंड द नेशनल कल्चर्स, ठीक है, कि नेशनल कल्चर्स कैसे कैसे बढ़ रहे हैं एंड रीजनल मैरिटाइम जो सिचुएशन है उसको हम और भी अच्छे से समझने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मौसम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से रिलेटेड है, इंडियन ओशन रीजन के आसपास की बात कर रही है, ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब हम उन स्कीम्स को डिस्कशन में लेंगे जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से रिलेटेड। चलिए बात करते हैं अपनी अगली स्कीम के बारे में, दैट इज मेक इन इंडिया स्कीम। मेक इन इंडिया कोरिस्पॉन्ड टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इन द डिफेंस प्रोडक्शन। हमारी इंडिया एक इम्पोर्ट डिपेंडेंट एक कंट्री है इफ़ यू टॉक अबाउट द डिफेंस सेक्टर, एंड वैसे भी हम एक इम्पोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है और इस चीज़ को हमें देखना होगा, इस चीज़ को मैनेज करना होगा, हमारे इम्पोर्ट्स कम होने चाहिए एंड हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा होने चाहिए अगर हमें ग्लोबली अपना जो वर्चस्व है उसको बढ़ाना है। डिफेंस सेक्टर के अंदर हम लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर्स में से आते हैं, 12% ऑफ द ग्लोबल आर्म इम्पोर्ट्स हमारे देश के अंदर होता है, ठीक है, कितना बढ़िया होगा अगर ये जो हम आर्म्स को मंगवा रहे हैं या जो भी डिफेंस से रिलेटेड हम वेपन्स को बाहर के देशों से मंगवा रहे हैं उनको हम खुद अपने देश में बना सकें। तो मेक इन इंडिया में हम यही करने की बात कर रहे हैं, वी वॉन्ट टू मेक द डिफेंस प्रोक्योरमेंट वेपन्स इन द कंट्री ओनली, ठीक है, एंड इसका यही विजन है, मेक स्कीम्स फॉस्टर इंडिजीनियस केपेबिलिटीज थ्रू डिजाइन डेवलपमेंट, ठीक है, डिफेंस इक्विपमेंट प्रोडक्ट अपग्रेड्स बाय बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री इन अ फास्टर टाइम फ्रेम। अब ये ऑल्सो बात करती है अबाउट द गवर्नमेंट फंडेड एंड प्रोजेक्ट्स अंडर मेक इन इंडिया विल इवॉल्व विद गवर्नमेंट फंडिंग ऑफ 90%, ठीक है, ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि डिफेंस जो है सेक्टर हमारा उसके अंदर भी हम मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को लाने की बात कर रहे हैं कि हमारा डिफेंस सेक्टर इंपोर्ट डिपेंडेंट नहीं हो जाए। अगली स्कीम है हमारी मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति।
ये जो मिशन है इट वॉज लॉन्च टू प्रोवाइड अ बूस्ट टू द आईपीआर कल्चर. आईपीआर यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कल्चर. अभी हमारे देश में क्या होता है, हमने कोई भी नई टेक्नोलॉजी बनाई, हमारे देश के इतने जो जो दिग्गज हैं, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आईटीएन जो बच्चे हैं वो जो नई नई चीज़ें लेकर आते रहते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आते रहते हैं, बट हमारे इंडिया में आईपीआर कल्चर नहीं है. अगर आप किसी भी टेक्नोलॉजी को एक पेटेंट रजिस्टर करवाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है. ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कल्चर को बढ़ने की जरूरत है हमारे देश के अंदर, जिससे जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है हमारे देश के अंदर उनको मॉनेटरी बेनिफिट मिल सके. अगर कोई कंट्री उसको लेना चाह रही है तो हम उसका, जैसे कहते हैं ना, मुंह मांगा दाम उनसे मांग सके. ठीक है, तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव आईपीआर कल्चर एंड ऑल्सो जो टेक्नोलॉजीज हैं, अगर हम कुछ टेक्नोलॉजीज को कुछ राइट्स प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, उनको बचाना चाह रहे हैं और कंट्रीज की नजरों से, तो वो भी हम कर पाएंगे. इट एम्स एट एजुकेटिंग द साइंटिस्ट टेक्नोलॉजिस्ट इन द डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज टू क्रिएट मोर पेटेंट्स, कि आप और मोर पेटेंट्स को लेकर आ सको मार्केट के अंदर. अ टारगेट हैज बीन सेट टू ट्रेन अप्रोक्सीमेटली 10,000% ऑफ ओएफ्स एंड डीपीएसयूज ऑन आईपीआर इन द फाइनेंशियल ईयर 2018-19 अंडर द मिशन. डायरेक्टरेट जनरल ऑफ क्वालिटी अश्योरेंस को इंटरेस्ट किया गया, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द प्रोग्राम. इसका एम है टू अचीव द गोल ऑफ सेल्फ रिलायंस. ठीक है, सेल्फ रिलायंस की बात करी जा रही है डिफेंस सेक्टर के अंदर. टू जनरेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन इंडिया मार्क्स अ डिपार्चर फ्रॉम अ कल्चर ऑफ सीकिंग ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम द फॉरेन सोर्सेस. चलिए बात करते हैं अब नीली स्कीम के बारे में, दैट इज वन रैंक वन पेंशन स्कीम. ये जितने भी जो मिलिट्री पर्सोनल हैं उनके लिए है जो कि रिटायर कर गए हैं सेम रैंक में विद द सेम लेंथ ऑफ सर्विस रिगार्डलेस ऑफ द डेट ऑफ रिटायरमेंट, उनको सेम पेंशन मिलनी चाहिए. ठीक है, एंड इट वुड बी फिक्स्ड बेस्ड ऑन द कैलेंडर ऑफ 2013 एज द एवरेज ऑफ मिनिमम मैक्सिमम पेंशन इन 2013 एंड दोज ड्रॉइंग पर्सन अबव द एवरेज विल बी प्रोटेक्टेड. ओनली दोज हु रिटायर्ड बिफोर द प्लान, ठीक है, प्लान से पहले आ गए, kicked in would be entitled to one rank one pension scheme. जो personal voluntarily जिन्होंने requirement ले ली उनको cover नहीं करा जाएगा इस particular scheme के अंदर. जिन्होंने अपना पूरा tenure किया है उनको benefit मिल सकता है इस scheme का. In future the pension would be refixed every 5 years. ठीक है, हर 5 साल बाद उनकी जो pension है उसको fix किया जाएगा. The estimated cost to the exchequer is expected to be 8,000 to 10,000 crore and will increase in the future. ठीक है, बढ़ती हुई नजर आएगी. The government has proposed a review every 5 years कि हर 5 साल बाद ये जो pension का criteria है for the defence sector, for the military personnel, ये देखा जाए, refix किया जाए. अब बात करेंगे हम अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में. मिनिस्ट्री फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की जितनी भी जो स्कीम्स आई है उनको आप डिस्कशन मिलेंगे. पहली हमारी स्कीम है नॉर्थ ईस्टर्न रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट. ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो इसको फंड करेगी. एंड इट इज एडेड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड इम्प्लीमेंटेड इन 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो कि है मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा. तो सबसे पहले तो ये सारी स्टेट्स में नहीं है, ये सिर्फ 4 स्टेट्स में है, दैट इज मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा. ऑब्जेक्टिव है इसका कि हम इम्प्रूव कर सके लाइवलीहुड को फॉर द पुअर, स्पेशली दैट ऑफ द वुमेन जो कि डिसएडवांटेज्ड पीपल या एरिया से आती हैं. आइडेंटिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा बाय द स्टेट गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस. ठीक है, तो ये क्राइटेरिया है कि वो सोशली बैकवर्ड हो, इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो और उनको जरूरत हो इस पर्टिकुलर स्कीम की अपनी लाइवलीहुड को सुधारने के लिए. एंड इट इज सपोर्टेड बाय द वर्ल्ड बैंक, ये चीज आपको याद रखनी है. अगली स्कीम पे चलते हैं, दैट इज नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम. हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का वो और भी ज्यादा बेहतर हो जाए. ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है. फिल अप टू द गैप्स इन द क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्पेसिफिक सेक्टर टिल द मार्च 2020. कवर करता है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, जैसे कि पानी का सप्लाई हो गया या इलेक्ट्रिसिटी हो गई, कनेक्टिविटी हो गई रोड्स की. ठीक है, एंड स्पेशली द प्रोजेक्ट्स प्रमोटिंग द टूरिज्म. क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं वो टूरिज्म से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कमाती हैं.
okay, infrastructure of social sector of education and health. It will not only strengthen the healthcare, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ healthcare पर ये focus कर रहा है या education facility पर ये focus कर रहा है, but overall infrastructure बढ़ेगा तो क्या होगा, tourism बढ़ेगा, employment opportunity आएंगी. अब बात करते हैं हम मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति से रिलेटेड स्कीम्स के बारे में. अब बात करते हैं अपनी अगली स्कीम के बारे में, दैट इज अटल भूजल योजना. ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, एम करती है कि हम इम्प्रूव करें ग्राउंड वाटर को, उसके मैनेजमेंट को थ्रू दी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन आइडेंटिफाइड प्रायोरिटी सेक्टर्स इन दी 7 स्टेट्स. तो बेसिकली इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू मैनेज द ग्राउंड वाटर. ठीक है, ग्राउंड वाटर अगर मैनेज रहेगा तभी जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो भी हम अश्योर कर पाएंगे. इट विल बी इम्प्लीमेंटेड ओवर द ईयर ऑफ 5 years, दैट इज 2020-2021 to 2024-2025. स्टेट्स हैं गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश. इट विल प्रमोट पंचायत लेड ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट एंड बिहेवियरल चेंजेस आए लोगों के अंदर. देखिए, अगर हमें सोसाइटी के अंदर चेंज लेकर आना है, बिहेवियरल चेंज एक ऐसी चीज है जो कि एक परमानेंट सोल्यूशन के तौर पर आएगी. जैसे कि अभी कोविड का टाइम चल रहा है, कोविड के केसेस बीच में बहुत कम हो गए थे, अब फिर से बढ़ गए. क्यों? क्योंकि बिहेवियर हम लोगों का बहुत ज्यादा इग्नोरेंट हो गया था. मास्क नहीं पहनना, हाथ सैनिटाइज नहीं करना, ठीक है, हर जगह घूमने जाना, लोग इतनी दूर दूर चले गए डिस्पाइट नोइंग कि कोविड इज देयर. ठीक है, तो बिहेवियरल चेंज आने की जरूरत है. जितना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होगा उतना ज्यादा सोसाइटी उससे फायदा उठा पाएगी. तो यहाँ पर यही बात करी जा रही है कि अगर हमें ग्राउंड वाटर को मैनेज करना है, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू प्रमोट अ पंचायत लेड एक्टिविटीज एंड जहां पर हम एक बिहेवियरल चेंज लाने की बात कर रहे हैं. इट हैज टू मेजर कॉम्पोनेंट्स. पहला है इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग कॉम्पोनेंट. दूसरा है इंसेंटिव कम्पोज फॉर द स्टेट. टोटल आउटले ऑफ 6,000 crore, 50,000 शैल बी इन द फॉर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक लोन एंड विल बी रिपेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, ये इसके अंदर की बात है, इतना हमें जानने की जरूरत है. बात करते हैं अपनी अगली स्कीम के बारे में, दैट इज जल जीवन मिशन. नाम से ही पता चल रहा है हम वाटर को प्रायोरिटी दे रहे हैं. ठीक है, यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं हम कि पाइप्ड वाटर सप्लाई प्रोवाइड करेंगे सारे रूरल हाउसहोल्ड में बाय द ईयर 2024. इंटीग्रेटेड डिमांड एंड सप्लाई साइड मैनेजमेंट ऑफ वाटर एट द लोकल लेवल. ठीक है, कि लोकल लेवल पर जो मैनेजमेंट है वाटर सप्लाई का उसको हम इम्प्रूव करेंगे. विल कन्वर्ज विद अदर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स. की जितनी भी जो स्कीम्स चल रही हैं जल को बचाने के लिए, ठीक है, जल को और भी ज़्यादा अच्छे से हम यूटिलाइज कर पाएँ, सस्टेनेबली देख पाएँ, उसके लिए हम इनको क्या करेंगे, कन्वर्ज कर देंगे. क्रिएशन ऑफ लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट वाटर फॉर द रीयूज इन दी एग्रीकल्चर. तो ऐसे सस्टेनेबल तरीके लेकर आएंगे जिससे हम वाटर को यूटिलाइज कर सकें. सेंट्रल गवर्नमेंट असिस्टेंस टू द स्टेट फॉर द रूरल वाटर सप्लाई बिगेन इन 1972 विद द लॉन्च ऑफ एक्सेलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम. ठीक है, इसी को रीनेम किया गया था एज नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम इन 2009, जो कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. यानी सेंटर एज वेल एज स्टेट दोनों इसमें फंड करने वाली है, दोनों इसमें मदद करने वाली है. अब इस स्कीम में क्या था, इसका एक ऑब्जेक्टिव ये था कि एनेबल कर सके सारे हाउसहोल्ड को टू हैव एक्सेस टू सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर. ठीक है, कि उन्हें सेफ पानी मिल सके एंड एडिक्वेट पानी मिल सके. गोल ये है कि 2030 तक हम कोइंसाइड कर सके विद द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. अभी क्या हो रहा है, अभी प्लान किया जा रहा है कि हम 2024 तक जल जीवन मिशन में जितने भी रूरल हाउसहोल्ड हैं उनको प्रोवाइड कर दें. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रीस्ट्रक्चर्ड एंड रीसब्स्यूम्ड द ऑनगोइंग, ये जो पर्टिकुलर स्कीम है, इनटू द जल जीवन मिशन. ठीक है, इसी के अंदर इसे सब्स्यूम कर दिया गया है एंड इसका एम है कि हम फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन, यानी टैप कनेक्शन हम हर रूरल हाउसहोल्ड में प्रोवाइड कर सकें, जो कि हमें हर घर नल से जल हम इसको एज कोट कर रहे हैं. ठीक है, बाय द ईयर 2024. न्यू गाइडलाइंस भी आई हैं जो कि एम्फसाइज करती हैं क्रिटिकल रोल ऑफ ग्राम पंचायत, कि जो नीचे का लेवल है, सबसे इम्पोर्टेंट लेवल जो है, ठीक है, जहां पर लोग इंटरेक्ट ज़्यादा करते हैं वहीं से ये इनिशिएटिव स्टार्ट हो. वाटर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. वाटर क्या है, एक स्टेट सब्जेक्ट है. दस इम्प्लीमेंटेशन मस्ट बी बाय द स्टेट्स ओनली. माना कि सेंटर एंड स्टेट दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बट इम्प्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट करने वाली है.
The fund released by the central government to the state government is to be deposited in one single nodal account that will be maintained by SWSM. ये थोड़ी सी extra information है. चलिए बात करते हैं अपने अगली स्कीम के बारे में, दैट इज जल शक्ति अभियान, संचय जल बेहतर कल. ओके, टाइम बाउंड, मिशन मोड, वाटर कंजर्वेशन कैंपेन है, इट्स अ कैंपेन, ठीक है, लोगों को अवेयरनेस मिलाने के लिए. इट विल रन इन टू फेजेस. फेज वन में क्या होगा, जुलाई 1 से 15 सितंबर 2019 मतलब हो चुका है. फेज टू है इसका 1 अक्टूबर टू 30 अक्टूबर 2019, ठीक है. इसमें क्या था कि हम अवेयरनेस फैलाने की बात कर रहे हैं. द लेटर इंक्लूड्स आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, पुडुचेरी, तमिलनाडु. ऑफिसर्स, ग्राउंड वाटर एक्सपर्ट्स, साइंटिस्ट, गवर्नमेंट विल हेल्प टुगेदर, ठीक है, विल वर्क टुगेदर विद द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स इन इंडिया मोस्ट वाटर स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट. हमारे इंडिया के अंदर जितने भी जो वाटर स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट है, वाटर स्ट्रेस्ड एरिया है, वहां पर क्या होंगे, जितने भी जो जो इम्पॉर्टेंट नॉलेजेबल लोग हैं, जैसे कि ऑफिसर्स हो गए, ग्राउंड वाटर एक्सपर्ट हो गए, साइंटिस्ट हो गए, गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, ये सब क्या करेंगे, एक साथ वर्क करेंगे. देज आर 255 डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे क्या है, 255 डिस्ट्रिक्ट को ऐसा रिकॉग्नाइज किया गया है कि इनकी हालत ज्यादा क्रिटिकल है एंड यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत ज्यादा नीचे गिर गया है. द फोकस इज ऑन वाटर कंजर्वेशन, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, जिससे हम क्या कर सकें, ऐसे इनिशिएटिव्स ला सकें कि हर हाउस होल्ड को अच्छा सेफ पानी मिल सके. इट ओनली एम्ड टू मेक वाटर कंजर्वेशन अ पीपल्स मूवमेंट, ठीक है, इसको एक मूवमेंट की तरह आ गया है थ्रू ऑनगोइंग स्कीम्स सच एज एमजी नरेगा एंड अदर गवर्नमेंट प्रोग्राम्स. अब डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुविनेशन के अंदर जो स्कीम्स आते हैं उनको देख लेते हैं. पहला है एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, ठीक है, इरिगेशन की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल वाटर प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं, ठीक है. वॉज लॉन्च टू गिव द लोन असिस्टेंस टू द स्टेट टू हेल्प देम कंप्लीट सम ऑफ द इनकम्प्लीट मेजर या माइनर प्रोजेक्ट्स, ठीक है, या फिर मीडियम इरिगेशन जो प्रोजेक्ट्स हैं विच वर एट द एडवांस स्टेज, ठीक है, लगभग कंप्लीट ही होने वाले थे बट बीच में किसी कारणवश वो रुक गए. एंड टू क्रिएट एन एडिशनल इरिगेशन पोटेंशियल इन द कंट्री, देखो ये जो जितने भी जो जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स होते हैं इनका जो टाइम लिमिट होता है, ठीक है, जो बनने का टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, एंड कभी कभार क्या होता है फंड नहीं पहुँचे या मटेरियल नहीं पहुँचा या किसी और वजह से कभी कभार क्या होता है काम रुकता रहता है, बनता रहता है, रुकता रहता है, बनता रहता है. और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे देश में इस समय कि हमारी जो इरिगेशन फैसिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाए. तो यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट रुक गया है और वो अपने मेजर या मीडियम स्टेट पर हो, ठीक है, तो उसको वहाँ पे फायदा हो सकता है. द रेशो ऑफ CLA ऑफ द स्टेट शेयर इज 2:1 फॉर द जनरल कैटेगरी स्टेट वाइल स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए 3:1. लेटर द सेंट्रल लोन असिस्टेंस अंडर AIBP इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर कुड ऑल्सो बी एक्सटेंडेड टू द माइनर सरफेस इरीगेशन प्रोजेक्ट, ठीक है. बाद में क्या होगा अगर माइनर है, माइनर है तो क्या हुआ, अगर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीड में है, ठीक है, तो उनके लिए भी असिस्टेंस प्रोवाइड करी जाएगी. द सेंट्रल असिस्टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ सेंट्रल ग्रांट विच इज 90% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, ठीक है. प्रोजेक्ट बेनिफिटिंग ड्रॉट प्रोन एरियाज, ठीक है, यहाँ पर देखने को मिलेगा ट्राइबल एरियाज, फ्लड प्रोन एरियाज एंड 25% इन द केस ऑफ नॉन स्पेशल कैटेगरी स्टेट. तो जितनी भी जो ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है, ठीक है, ड्रॉट प्रोन है, ट्राइबल एरियाज है, वहाँ पे 90% है, वेर एज जो नॉर्मल नॉन स्पेशल कैटेगरी स्टेट है वहाँ पे 25% है, 25% है. इट इंक्लूड स्पेशल कैटेगरी स्टेट जैसे कोरापुत, मुलंगीर, ठीक है, कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा. अब बात करते हैं अपनी अगली स्कीम के बारे में, दैट इज जल क्रांति अभियान. ये जितनी भी स्कीम्स हैं ज़्यादातर ये अवेयरनेस स्कीम्स हैं अगर हम बात करते हैं जल शक्ति मिनिस्ट्री के बारे में, ठीक है, कि हम लोगों को जागरूक कर सकें कि वाटर कंजर्वेशन का ख्याल रखना है, सेफ वाटर का ख्याल रखना है, ठीक है. ये जो पर्टिकुलर स्कीम है इसका एम है कि वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट को इंडिया के अंदर लाया जाए एंड होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच को यूज किया जाए जिसमें मल्टी स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, एंड एक साथ एक मास मूवमेंट चलाने की ये लोग बात कर रहे हैं. ऑब्जेक्टिव ये है कि ग्रास रूट इन्वॉल्वमेंट हो सारे स्टेक होल्डर्स का, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, लोकल बॉडीज यानी जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है वो सबसे पहले उभर कर आए. एनकरेजिंग द अडॉप्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज इन वाटर रिसोर्सेज. ट्रेडिशनल नॉलेज में क्या था, कम कैसे में ज़्यादा फायदा होता था, ठीक है, पैसा कम लग रहा है फायदा ज़्यादा हो रहा है,
हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको हम कंजर्व कर पा रहे हैं, ठीक है, उनको लाने की बात कर रहे हैं. टू यूटिलाइज द सेक्टर लेवल एक्सपर्टाइज फ्रॉम द डिफरेंट लेवल्स इन गवर्नमेंट, एनजीओ, सिटीजन्स, ठीक है, ये सब चीजें हैं इसके अंदर. इनहेंसिंग लाइवलीहुड सिक्योरिटी थ्रू वाटर सिक्योरिटी इन द रूरल एरियाज, यहाँ पे क्या होगा, जलग्राम योजना, डेवलपमेंट ऑफ मॉडल कमांड एरिया, पॉल्यूशन अबेटमेंट, मास अवेयरनेस प्रोग्राम, ठीक है, ये सब इसके अंदर आते हुए नजर आएंगे. नो सेपरेट फंड, इसमें कोई अलग से फंड नहीं बनाया जा रहा है. एंड जितना भी जो खर्चा होगा वो एग्जिस्टिंग स्कीम जो है सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट की, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, पीएम केएसवाई होगा, एमजीनरेगा हो गया, आरआरआर हो गया, ठीक है, इनका पैसा इसमें यूटिलाइज किया जाएगा. बात करते हैं अपनी अगली स्कीम के बारे में, दैट इज नमामि गंगे प्रोग्राम. इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है गंगा रेजुविनेशन के लिए, जिसमें हम कंसोलिडेट कर सकें एग्जिस्टिंग ऑनगोइंग एफर्ट्स को एंड प्लानिंग को फॉर द कंक्रीट एक्शन प्लान फॉर द फ्यूचर. ओके, ये जो पर्टिकुलर स्कीम है ये एम करती है कि हम ट्विन ऑब्जेक्टिव से वर्क करें, एक तो पॉल्यूशन को हम देख सकें एंड दूसरा ये कि हम कंजर्वेशन एंड रिज्यूविनेशन कर सकें अपनी गंगा का, अपनी देश की इतनी इंपॉर्टेंट रिवर का. द प्रोग्राम इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा. द स्टेट काउंटर पार्ट ऑर्गेनाइजेशन आर स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप्स, ठीक है, प्रोग्राम कवर करता है स्टेट्स को जहाँ से गंगा जाती है, जैसे कि उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, एमपी, हरियाणा एंड दिल्ली. इट इन्वॉल्व्स डेवलपमेंट ऑफ घाट, ठीक है, ब्यूटिफिकेशन भी हो रिवर के आसपास, जैसे कि एट द फ्रंट ऑफ केदारनाथ, हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, पटना, दिल्ली, थ्रू मल्टी सेक्टोरल मल्टी डायमेंशनल अप्रोच. तो ये नहीं कि ये सिर्फ पानी की बात कर रहा है, सिर्फ रिवर की बात कर रहा है, उसका जो आसपास का एरिया है वहाँ पर भी ब्यूटिफिकेशन हो, जो घाट्स हैं वहाँ का भी डेवलपमेंट देखने को मिले. की मिनिस्ट्री इन्वॉल्व्ड इन द गंगा रिज्यूविनेशन आर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, शिपिंग, टूरिज्म, अर्बन डेवलपमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, एंड 100% क्या है, सेंट्रली फंडेड है, ठीक है, सेंटर इसके लिए पैसा दे रहा है. चलिए बात करते हैं अपनी अगली स्कीम के बारे में, दैट इज गंगा वृक्षारोपण अभियान, ठीक है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा तो चल ही रही है, ठीक है, जो कि गंगा जो है उसकी पॉल्यूशन को हटाने की, उसको स्वच्छ बनाने की बात करती है, एंड ऑल्सो गंगा जहाँ जहाँ से भी जा रही है उसके आसपास का जो एरिया है, जो घाट का एरिया है, उसकी ब्यूटिफिकेशन की बात करती है. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अबाउट द एफॉरेस्ट्रेशन, ठीक है, कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेड़ों को उगाना, ठीक है, पेड़ों को उगाने से क्या होता है, ब्यूटिफिकेशन होता है, हमारा इन्वायरमेंट स्टेबल होता है, ठीक है, हम ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड इनकी जो मात्रा है उसको बैलेंस कर पाते हैं, ठीक है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट. तो यहाँ पे यही बात कर रहा है, ये आए स्टेट्स में जैसे कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है, एंड इट ये एक तरीके का कैंपेन है लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों को और भी ज़्यादा जैसे कहते हैं सपोर्ट कर रहे हैं हम कि आप और भी ज़्यादा पेड़ उगाएं. चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपनी अगली स्कीम की तरफ, दैट इज डैम रिहैबिलिटाइजेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम. ये जो प्रोजेक्ट है 80% फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी वर्ल्ड बैंक से एज अ लोन या क्रेडिट एंड 20% स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट विद नो सोर्स फंडिंग फ्रॉम एन इंटरनल एजेंसी फॉर दिस प्रोजेक्ट. ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक एंड गवर्नमेंट ये दोनों इसमें मिलके पैसा लगाने वाली है. ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि हम इम्प्रूव कर सकें सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को हमारे डैम्स की. देखिए डैम इतने बड़े प्रोजेक्ट हैं, इतने साल लेते हैं बनने में, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ देयर सेफ्टी. क्यों? क्योंकि एक एक तरह से हमने डैम ही तो बनाया है, ठीक है, इट इज़ नॉट समथिंग नेचुरल, इट इज़ समथिंग दैट इज़ मैन मेड. तो इसके लिए हमें इम्पॉर्टेंट है कि हम उसकी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का ख्याल रखें, ठीक है, एंड जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है कुछ ना कुछ हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, कोई चीज़ टूट गई, ठीक है, कोई चीज़ की कमी हो गई, कोई चीज़ करोड़ हो गई, तो ये चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा. एंड टू स्ट्रेंथन दी डैम सेफ्टी इंस्टीट्यूशन सेटअप ऑफ द पार्टिसिपेटिंग स्टेट एंड इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज. अब बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन की. पहली स्कीम है हमारी गोवर्धन योजना. गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स स्कीम वुड फोकस ऑन मैनेजिंग एंड कन्वर्टिंग कैटल डंग, ठीक है, जो गोबर होता है, एंड सॉलिड वेस्ट इन फार्म टू कंपोस्ट बायोगैस एंड बायो सीएनजी. ये जो पर्टिकुलर स्कीम है इट इज इम्प्लीमेंटेड एज अ पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ठीक है, ये हेल्प करेगी इन कीपिंग द विलेज क्लीन वाइल इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स एंड कैटल हर्डर्स, ठीक है, जो कि गाय को चराते हैं उनकी इनकम को बढ़ाने की बात कर रही है, हमारे जो किसान हैं उनकी इनकम को
बढ़ाने की बात कर रही है. अंडर दिस विलेजेस विल बी मोबिलाइज टू क्रिएट द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. ठीक है कि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, क्रिएटिव सोसाइटीज को फॉर्म करें जो कि हेल्प करें क्लीन एनर्जी एंड ग्रीन जॉब इनिशिएटिव्स के अंदर, और वो कन्वर्ट करें ठीक है कैटल डंक एंड सॉलिड वेस्ट को इन फार्म्स टू कंपोस्ट बायोगैस एंड बायो सीएनजी. तो मतलब एक सस्टेनेबल वे में जो विलेज का या जो ग्रामीण का जो लाइवलीहुड होता है उसको चलाने की ये बात कर रही है. बात करते हैं अपनी अगली स्कीम के बारे में, दैट इज स्वजल योजना. एक कम्युनिटी ओन्ड ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम है फॉर द सस्टेन्ड पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई पावर्ड बाय द सोलर एनर्जी. ठीक है, इट इज पावर्ड बाय द सोलर एनर्जी विच इज अ रिन्यूएबल एनर्जी. इट वॉज लॉन्च्ड इन 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड इंश्योर करती है कि हम क्लीन ड्रिंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें हर हाउस होल्ड को अराउंड द ईयर. द स्कीम विल ट्रेन द 100 ऑफ रूरल टेक्नीशियंस ऑपरेटर्स जो बन जाएंगे ठीक है, जो कि मेंटेन करेंगे इन स्वजल यूनिट्स को एंड जनरेट करेंगे इससे क्या हम एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेंगे इन रूरल एरियाज. इस स्कीम के अंदर 90% ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी टेकन केयर बाय द गवर्नमेंट एंड 10% जो भी होगा इट इज कंट्रीब्यूटेड बाय द कम्युनिटी. तो मतलब इसमें कम्युनिटी भी जो है उसका भी बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि 10% जो फंड होंगे वो कम्युनिटी ही बेयर करेगी. ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी टेकन केयर बाय द लोकल विलेजर्स. ओके, बात करते हैं अगली स्कीम के बारे में, विच इज अ वेरी फेमस स्कीम, स्वच्छ भारत मिशन. स्वच्छ भारत मिशन किस लिए आया? जिससे हम अपने देश को स्वच्छ बना सकें, साफ बना सकें, ऐसे एफर्ट्स लाए जा सकें जहाँ से हम सैनिटाइजेशन का ख्याल रख सकें. इट एम्स एट अचीविंग ODF, दैट इज द ओपन डेफिकेशन फ्री नेशन बनने की बात करती है, एंड अ स्वच्छ भारत, दैट इज अ क्लीन भारत, जो कि विजन था हमारे बापू का, महात्मा गांधी जी का. SBM is implemented by Ministry of Urban Development in the urban areas and Ministry of Jal Shakti in rural areas. ये सबसे important चीज़ है इस particular scheme के अंदर. Scheme पुरानी है इसलिए आपको पता है किस चीज़ से related है, हर जगह आती है ठीक है. अब आपको ये चीज़ नहीं पता होगी कि urban areas के लिए different ministries के लिए work करती है and rural areas के लिए Ministry of Jal Shakti करती है. Ministry of Rural Development नहीं, Ministry of Jal Shakti फॉर द रूरल एरियाज, एंड अर्बन के लिए तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट है. ऑब्जेक्टिव है एलिमिनेट कर सके हम ओपन डेफिकेशन को, इरेडिकेट कर सके मैनुअल या जो लोग करते हैं स्कैवेंजिंग उसको, मॉडर्न एंड साइंटिफिक म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के क्राइटेरियाज को हम लेकर आ सके एंड इफेक्ट ला सके एक बिहेवियर चेंज का. ठीक है, लोगों का बिहेवियर चेंज होगा, लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे तो सैनिटाइजेशन का जो प्रैक्टिस है वो और भी ज़्यादा बेहतर हो पाएगा. कॉम्पोनेंट्स है इसमें हाउस होल्ड टॉयलेट्स बनाना ठीक है, एंड पब्लिक टॉयलेट्स बनाना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का ख्याल रखना, पब्लिक अवेयरनेस का ख्याल रखना, एंड इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन ठीक है इसके ऊपर फोकस रखना. इम्प्लीमेंटेशन में है कि बिहेवियरल चेंज इज द प्राइमरी फोकस, कि लोगों के अंदर एक नेचुरल चेंज आए कि नहीं हमें हमारे देश में कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकना है, हमें गंदगी का ख्याल नहीं रखना है, हमें बल्कि ये चीज़ का ख्याल रखना है कि हम अपने देश में गंदगी नहीं फैलाएं, हम अपने देश को साफ रखें ठीक है. दिस इज कैरिड आउट थ्रू द मिनिस्ट्री फोकस्ड इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन प्रोग्राम. इस पर्टिकुलर जो ये जो प्रोग्राम है इसको बढ़ावा देने के लिए आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल में भी हर में आ रहा था, बहुत सारे MLAs, बहुत सारे MPs एंड मोदी जी खुद हमें दिखे थे झाड़ू लगाते हुए ठीक है एंड साफ करते हुए. वो बेसिकली ये सिग्निफाई करना चाहते थे कि बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन इट इज़ आर ड्यूटी कि हम अपने देश का ख्याल रखें. अब स्वच्छ मंच, ये इम्पॉर्टेंट है, ये एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो कि एम करता है टू ब्रिंग टुगेदर एवरी स्टेक होल्डर कंट्रीब्यूटिंग टू स्वच्छ भारत मिशन. ठीक है कि वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म के अंदर आ जाए. ये अलाउ करेगा स्टेक होल्डर्स को वो क्रिएट करें, इन्वाइट करें, पार्टिसिपेट करें नई नई अपॉर्चुनिटीज के अंदर अराउंड दी नेबरहुड्स. इट विल अनेबल अपलोड ऑफ पिक्टोरल एविडेंसेज ऑफ सिटीजन्स एंड ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, पिक्चर की फॉर्म में आप अपने एफर्ट्स को दिखा सकते हैं एंड स्वच्छता के अंदर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. इट विल ऑल्सो बी इंटीग्रेटेड विद द एग्जिस्टिंग स्वच्छता ऐप. ठीक है, उसके साथ इसको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा टू एक्ट एज अ सिटीजन ग्रीवियंस रिड्रेसल प्लेटफॉर्म. अभी जो स्वच्छ भारत मिशन है इसमें ODF प्लस एंड ODF प्लस प्लस प्रोटोकॉल है. ये सब क्या है, ये चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है.
ODF achievement, sustainable and address the issue of holistic sanitization कि open defecation हमारे देश में नहीं हो रहा है. There is a need to address the entire sanitation value chain. यहाँ पर क्या है देखो, इन दोनों के एक एक यह है कि ODF plus का एक और improved version है ODF plus plus. ODF plus में है focus sustaining the community, पब्लिक टॉयलेट्स बनाना, उसके यूजेस को बढ़ाना, ठीक है, एंड क्लीनलीनेस का ख्याल रखना, मेंटेनेंस का ख्याल रखना. वेर एज जब हम ODF प्लस प्लस की बात करते हैं, ये फोकस करता है कि हम सैनिटाइजेशन सस्टेनेबिलिटी को अचीव कर पाएँ एंड एड्रेस कर पाएँ कंप्लीट सैनिटाइजेशन वैल्यू चेन को, इंक्लूडिंग सेफ कंटेनमेंट, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल ऑफ फीकल स्लज एंड सेप्टेज. तो मतलब ये डिस्पोजल की भी बात कर रहे हैं, तो इसका एडवांस वर्जन है ODF, ODF plus, ODF plus plus. चलिए बात करते हैं अपनी अगली स्कीम के बारे में, दैट इज हर घर जल, यानी हर घर में, हर हाउस होल्ड में वाटर अवेलेबल हो. इट रेफर्स टू द गवर्नमेंट कमिटमेंट टू प्रोवाइड सेफ टैप वाटर टू एवरी हाउस होल्ड बाय 2030. ठीक है, इसकी क्या टाइम लिमिट है, इसकी है बाय 2030 एज पर द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. इट ऑल्सो एम कि हम अकम्प्लिश कर सकें मिशंस को, कि हम सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं 28,000 हैबिटेशंस अफेक्टेड बाय द आर्सेनिक एंड फ्लोराइड कंटामिनेशन इन द कंट्री बाय 2021. देखो ये तो 2021 तक की, मतलब इसी साल की इसकी लिमिट है. आर्सेनिक एंड फ्लोराइड, ठीक है, क्या होता है, हमें देखने को मिला है कि वाटर कई सारी जगह इन दो से, आर्सेनिक से एंड फ्लोराइड से कंटामिनेटेड है. इनकी मात्रा ज़्यादा है, इनकी मात्रा ज़्यादा होगी तो क्या होगा, बॉडी में चेंजेस देखने को मिलेंगे. ह्यूमंस को एज वेल एज एनिमल्स को ये बहुत ज़्यादा हार्म करेगा. ह्यूमंस को हो सकता है कैंसर लाइक सिचुएशन फॉर्म हो जाए, या उनके बॉडी में और भी ज़्यादा घातक चीज़ें हो सकती हैं. ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखा जाएगा. बात करते हैं अपनी अगली स्कीम के बारे में, दैट इज़ गंगा ग्राम. ये एक प्रोजेक्ट है, बेसिकली सैनिटाइजेशन बेस्ड है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं 4470 विलेजेस का, जो कि गंगा रिवर के अलोंग है. ठीक है, गंगा रिवर के पास है, वर्क करता है एंड इंक्लूड करता है रूरल सैनिटाइजेशन को, डेवलपमेंट ऑफ वाटर बॉडीज एंड रिवर घाट का कंस्ट्रक्शन करें हम, एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ क्रिमेटोरिया. ठीक है, क्रिमेटोरिया यानी जो क्रिमेशन एरियाज होते हैं उनका मॉडर्नाइजेशन. दीज वर्क्स आर डन इन कोऑर्डिनेशन विद नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा. तो नेशनल जो मिशन है क्लीन गंगा का, उसके साथ साथ बहुत सारी स्कीम्स वर्क कर रही हैं. अब हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं उनके बारे में. पहला है एक्रॉस स्कीम, वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम. इसकी फुल फॉर्म है एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विसेस. कैसी टाइप की स्कीम है, एक अम्ब्रेला स्कीम है, यानी इसके अंदर 9 अदर स्कीम्स आती हैं. इसका ऑब्जेक्टिव है कि प्रोवाइड करें एक रिलायबल वेदर एंड क्लाइमेट फोरकास्ट, जिससे हम बेटरमेंट ला सकें अपनी सोसाइटी के अंदर. जितना ज़्यादा वेदर एंड क्लाइमेट फोरकास्ट जो है वो एक्यूरेट होगा, लोगों को उतना ज़्यादा फायदा होगा. ठीक है, फार्मर्स की अगर हम बात करें, फार्मर्स को कितना फ़ायदा होगा, उन्हें पहले से ही पता है अच्छा बारिश आने वाली है, अच्छा मेरी क्रॉप्स को पानी मिल जाएगा, मुझे कोई टेंशन की बात नहीं है. ठीक है, या पानी नहीं आने वाला है, कोई बात नहीं, मुझे इरीगेशन फैसिलिटी कहीं ना कहीं से लेकर आनी है, जिससे मेरी खेत को कुछ ना हो. ठीक है, तो एक सिंपल सा एग्जांपल है. ऐसे ही अगर हमारा वेदर फोरकास्ट जितना ज़्यादा अच्छा होगा, उतना ज़्यादा हमारी सोसाइटी बेटर कर पाएगी. इट पर्टेन्स टू द एटमॉस्फेरिक साइंस प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज एंड एड्रेस करती है डिफरेंट एस्पेक्ट को, विच इंक्लूड वार्निंग ऑफ साइक्लोन. अगर कोई साइक्लोन आने वाला है, हमको पहले ही पता चल जाएगा. जैसे निसर्ग आया तो पहले ही पता चल गया कि अच्छा ये स्टेट है, इसको अपना ख्याल रखना है. ठीक है, या फिर कोई स्टॉर्म आ रहा है तो उसके बारे में पता है, हीट वेव आने वाली है तो पता है, थंडर स्टॉर्म आने वाला है तो पता है. ठीक है, ना ईच ऑफ द अबव एस्पेक्ट इज इनकॉर्पोरेटेड एज अ 9 सब स्कीम अंडर द अम्ब्रेला स्कीम. ठीक है, ये सारी स्कीम्स हैं, वो आप देख लेगा. शायद मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है, बट वो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है, आपको पता होनी चाहिए कि एक क्रॉस स्कीम है क्या. नाउ द स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड इन एन इंटीग्रेटेड मैनर, जिसमें 4 इंस्टीट्यूशन एक साथ वर्क करेंगे. पहली है हमारी IMD, दैट इज इंडिया मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट. दूसरी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी, दैट इज IITM, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग, एंड इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस. बात करते हैं अपनी अगली स्कीम के बारे में, दैट इज ओस्मार्ट. ठीक है, ओस्मार्ट
ओशन सर्विस टेक्नोलॉजी ऑब्जर्वेशन एंड रिसोर्स मॉडलिंग एंड साइंस, ठीक है, अम्ब्रेला स्कीम है, इसके अंदर भी और स्कीम्स आती हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ओशन एक्टिविटीज़, ठीक है, ओशन का जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसके अंदर, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू टेक केयर ऑफ इट। क्लाइमेट चेंज की वजह से, हमारे कुछ गलत कर्मों की वजह से क्या हो रहा है, ओशन के अंदर जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल तो कोरल ब्लीचिंग ही हमें देखने को मिल रही है, ठीक है ना। इसका जो इम्प्लीमेंटेशन पीरियड है वो है 2017-18 to 2019-20। एम है कि हम स्टेप अप कर सके ओशन रिसर्च को, सेट कर सके अर्ली वार्निंग वेदर सिस्टम्स को। इम्पॉर्टेंट deliverables under the schemes are कि हम strengthen करें ocean observation को, modeling को, ocean services provide कर सके fishermen को, marine coastal observations के लिए observatories ला सके, ठीक है, set कर सके हम ocean thermal energy conservation plants को, and set कर सके state of the art early warning system को, कि ocean के अंदर अगर tsunami आ रहा है, storm आ रहा है, जिसकी वजह से आसपास की स्टेट्स में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, या जो फिशरमैन्स हैं वो अगर वहाँ पर हैं तो उनको पहले से ही पता चल जाए कि अरे यहाँ पे नहीं जाना है, हमें अपने घर लौट जाना है, ठीक है। तो इससे बहुत फायदा होगा। द टेक्नोलॉजीज डेवलप्ड अंडर द स्कीम विल हेल्प इन हार्नेसिंग द वास्ट ओशन रिसोर्स ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग रिसोर्सेज फ्रॉम द सीज। सही बात है। चलिए बात करते हैं अपनी अगली फेमस स्कीम के बारे में, दैट इज सागर वाणी। इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन सिस्टम है, प्राइमरी सर्व करेगा ये फिशरमैन को, जितने भी जो हमारे फिशरमैन हैं उनको क्या होगा, उनको एडवाइजरीज मिल जाएगी, अलर्ट्स मिल जाएंगे और उनकी लाइवलीहुड बेहतर हो पाएगा, ज़्यादा सेफ्टी से वो रह पाएंगे, ठीक है। द इंफॉर्मेशन टू बी डिसेमिनेटेड इज गिवन बाय द इनकियोस विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। सर्विसेज विल बी डिसेमिनेटेड इन लोकल लैंग्वेजेस। लोकल लैंग्वेजेज में क्यों, जो फिशरमैन हैं, ठीक है, उनको क्या होगा, उन्हें जरूरी तो नहीं है उन्हें सिर्फ इंग्लिश समझ आ रही है, ठीक है, उनको अपनी लोकल लैंग्वेज ज़्यादा समझ आएगी, तो जिससे उन्हें लोकल लैंग्वेज समझ आए इसलिए डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में, लोकल लैंग्वेजेस में ये प्रोवाइडेड है। इट यूजेस पावर ऑफ टेलीविजन, ठीक है, टेलीविजन की पावर का यूज़ करती है, केबल नेटवर्क मीडियम का पास यूज करती है जिससे अलर्ट जारी किया जा सके। द सिस्टम ऑल्सो हैज़ द फैसिलिटी टू प्रोवाइड एक्सेस टू वेरियस स्टेक होल्डर्स। चलिए बात करते हैं अपनी अगली स्कीम के बारे में एंड लास्ट स्कीम के बारे में, दैट इज ग्रामीण कृषि मौसम सेवा। इम्प्लीमेंट करी गई है इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा इन द कोलैबोरेशन विद स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज। ये क्या करेगी, ये क्रॉप एंड लोकेशन स्पेसिफिक वेदर बेस्ड एग्रो एडवाइजर्स, बेसिकली एडवाइजरीज लेकर आ पाएगी फार्मर्स के लिए जिससे उनको फायदा हो जाए, उनको पहले ही पता हो। एग्रो मेटेरोलॉजिकल एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करी जाएंगी, ठीक है, जिससे बाई वीकली बेसिस पर, ठीक है, बाई वीकली बेसिस पर प्रोवाइड करी जाएगी। द इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड थ्रू मल्टी मीडिया चैनल्स, ठीक है, एंड SMS भी प्रोवाइड करा जाएगा टू हेल्प फार्मर प्लान फार्म ऑपरेशंस अकॉर्डिंगली, ठीक है, कि अगर उन्हें पहले पता होगा वेदर के बारे में और भी चीज़ों के बारे में उन्हें स्पेसिफिकली पता होगा तो क्या होगा, वो ईजिली अपने जो ऑपरेशन है, अपना जो फार्म ऑपरेशन है उसको मैनेज कर पाएंगे, उसको समझ पाएंगे। So this was all for this video. I really hope you enjoyed it. हमने बहुत सारी ministries की आज जो important schemes हैं उनको cover किया। कुछ schemes नई हैं, कुछ schemes पुरानी हैं, but सारी schemes important हैं। Mains में भी अगर आप कोई भी scheme को कहीं भी अगर आप quote करते हो तो एक फ़ायदा मिलता है कि हाँ आपको पता है कि government क्या क्या interventions ले रही है। तो आपके लिए ये जो videos हैं ये बहुत ज़्यादा सहायता देंगी। इनके नोट ज़रूर बनाएगा, रिपीटेडली मैं कह रही हूँ। Lecture number 1, Lecture number 2, Lecture number 3 तीनों को देखिए, मिनिस्ट्री वाइज इनके नोट्स बनाइए एंड एग्जाम आने से पहले एक बार ही रिवीजन मारिए, यू आर गुड टू गो, आपको गवर्नमेंट स्कीम्स में कोई इशू नहीं आने वाला है। और कमेंट सेक्शन में अगर आपके कोई भी डाउट हैं आप उनको रेज कर सकते हैं, वी वुड रियली बी हैप्पी टू हेल्प यू। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।